أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء الكرام خاص طور پر ہم سب کے بزرگ مقتر بزرگ اور محترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم بہت ہی محبت اور عزت کے لائق میرے بھائیوں بہنوں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں چند ہفتے پہلے جب پہلی بار میرے پاس یہ نوجوان عالم اس ادارے کے بانی و ناظم مولانا سجاد ندوی آئے اور بہت درد کے ساتھ بڑی محبت اور تڑپ کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی کچھ حالات بتائے تو اگرچہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنا لمبا سفر کروں مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند تو میں نے اپنی مغفرت کی نیت سے سفر کا ارادہ کیا اور یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے اولیاء اللہ اور صالحین کی صحبت بھی حاصل ہوگی اور اتنا پیارا مجمع غلامان مصطفیٰ کا عاشقان رسول کا جن میں علماء بھی پروفیشنل بھی ڈاکٹر وکیل بھی تاجر بھی نوجوان بھی اور سب سے بڑھ کر خواتین اسلام بھی جو امت کا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بنانے والیاں ہیں یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی برکت کا خیر کا مغفرت اور ہدایت کا میں وقت بچانے کی نیت سے الگ الگ طبقات سے بات کروں گا سب سے پہلے میں علماء کی خدمت میں بہت عاجزانہ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر اپنی شفقت بڑھا دیجئے یہ امت آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی مستحق نہیں ہے
ये उम्मत आपकी मोहब्बत और शफ़क़त की प्यासी है, इसका दिल दुखाने के लिए दुश्मनान इस्लाम ही बहुत है। इस उम्मत को जोड़िए, इख्तलाफात वाली बातें मत कीजिए। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। आपका हर जुमला मरहम लगाने वाला हो, फासलों को कम करने वाला हो, उम्मत को जोड़ने वाला हो। आप सिर्फ एक मसलक के दाई न बनिए, आप इस्लाम के दाई बनिए। इस्लाम का दामन बहुत वसी है, मसलक का दामन उतना वसी नहीं हो पाता। इस्लाम का दामन बहुत वसी है, लोगों की समझ में जो बातें वो दलीलें आए, जो तर्ज गुफ्तगू आए, उस तरीके पर लोगों से बात कीजिए। कल्लिमुन्नास अला कद्र उकूले, हर जमाने में लोगों के समझने का अंदाज बदल जाता है, उनके जहनों के सवालात बदल जाते हैं। इस वक्त के एजुकेशनल सिस्टम ने और मजमूई तौर पर पूरे माहौल ने बहुत शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं हमारे नौजवान स्टूडेंट्स के जहन व दिमाग में इस्लाम के बारे में। अब तो कई चैनल चल रहे हैं सिर्फ इसी मकसद से कि उन टीवी चैनलों का मकसद आपको खबरों से आगाह करना नहीं होता, आपके दिल में इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात का पैदा करना होता है। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को माज़ल्लाह मजरूह करना होता है। हमारे नौजवान बड़े जबरदस्त खतरे में, हम लोग जो सिर्फ मदरसों में पढ़े हैं, मैं उलमा से ये बात उनकी जूतियां उठाकर अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं कि आप उन नौजवानों की कैफियत को नहीं समझ सकते। हम लोगों पर अल्लाह ने बहुत करम फरमाया, हम बड़े महफूज माहौल में पले, हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से ईमान सिखाया, तौहीद सिखाई, आखिरत की फिक्र सिखाई, इश्क़े रसूल सिखाया, इत्तबाए सुन्नत सिखाई, बुजुर्गों का अदब सिखाया, गैबी निज़ाम पर यकीन सिखाया। फिर हम माँ की गोद से निकले, घर से बाहर निकले तो मकतब में गए, और काश कि हम लोग मकतब की कदर करें और कश्मीर में मकतब की कमी को पूरा करने का आज ये इजलास अल्लाह से अहद करें। मकतब वो जगह हुआ करती थी जहां मासूम बच्चों को अल्लाह का वली बनाया जाता था। मकतब का हर उस्ताद बच्चों पर शफ़क़तों की बारिश निशावर करता था, और हर बच्चा अपने उस्ताद के हाथ चूमता था, जूतियां सीधी करता था, अदब व एहतराम करता था, दुआओं की गुजारिश करता था। आज के बच्चे जो सीधे सीधे ढाई तीन साढ़े तीन साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चले जाते हैं, वो बच्चे कैसे समझें मकतब की मोहब्बतों को, कैसे समझें मोहब्बत मकतब की रूहानियत को, मकतब की तरबियत के गहरे असरात को। हजरात उलमा से गुजारिश है, और अगर मैं ये गुजारिश करके बेअदबी कर रहा हूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनको मकतब की इब्तदाई तालीम सबको नहीं मिल पा रही,
उनको वो शफकत भरा माहौल, रूहानियत भरा माहौल, सहाबा की कहानियाँ, नबियों के वाकयात, बुजुर्गों के तजुर्बात न उनकी माएँ सुना रही होंगी न उनके वालिद उस्ताद सुना रहे हैं। वहाँ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, वहाँ तो नाच और गाना होता है, वहाँ म्यूजिक म्यूजिक होती है, वहाँ नंगापन होता है, वहाँ डांस होता है, न जाने क्या क्या होते हैं। ये बच्चे किस कैरेक्टर के आगे चलकर बनेंगे इसमें क्या शक है। वहाँ तो कॉलेज में जाने के बाद उस्तादों को अपने बच्चों से शागिर्दों से अपनी इज्जत को बचाना मुश्किल होता है, मजाक उड़ाया जाता है, बेअदबियां होती हैं, नाफरमानियां होती हैं। तो वालिदैन से उलमा से खास तौर पर गुजारिश है कि इस पूरे माहौल को सामने रखकर नौजवानों को खास तौर पर गले लगाइए, उनकी कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। और मैं गुजारिश करके रिस्क ले रहा हूँ बेअदबी का, आप जितनी देर अल्लाह रसूल की उनसे बात करें उससे कुछ कम देर सही रात के अंधेरे में इन नौजवानों के लिए हिदायत और इस्लाह की दुआ मांगें। हमारी बड़ी कमी है ये कि तकरीरें हमारी लंबी हो गईं और दुआएं हमारी मुख्तसर हो गई। पहले के बुजुर्गों की बातों में जो असर होता था उसकी बहुत बड़ी वजह होती थी वो जितनी देर हमारे सामने अल्लाह का तज़किरा करते थे उतनी ही देर वो अल्लाह के सामने हमारी बातें करते थे। ये आदत छूट गई। मैं उलमा की खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं, शफ़क़त मोहब्बत प्यार अफ़्व दरगुज़र माफ करना गले लगाना। एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, पता नहीं वक्त कितना है। मैं आज से तकरीबन 44 साल पहले या 45 साल पहले मुल्क शाम गया। वहाँ मुझे आम नौजवानों में तो बहुत बिगाड़ नज़र आया, बहुत बेहयाई, बेपर्दगी, औरियानियत वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नौजवानों में मुझे तकवे का नूर नज़र आया, बहुत पाक दामन नौजवान बच्चे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारी तरबियत किसने की है, तो उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा कि मैं क्या उन तुम्हारे शेख मुरब्बी से मिल सकता हूँ, मैं मदीने से आया हूँ, उस वक्त मैं मदीने में पढ़ता था। तो उसने कहा बहुत शौक से। अगले दिन जुमे का दिन था, तय ये हुआ कि मैं जुमे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ूंगा। चुनाचे मैं चला गया उसी के साथ, वहाँ के इमाम व खतीब से मुलाकात हुई। क्या नूरानियत थी उनके अंदर। बाद में फिर उनसे लंबी नशिस्त रही, बड़ी तारीख सुनाई उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि ये नौजवान नस्ल आपने कैसे तैयार की, तो उन्होंने अपने शेख का नाम लिया। कहा असल में हमारे शेख थे, मुरब्बी थे, शेख अब्दुल करीम रिफाई उनका नाम था। उनका एक अजब तरीक़ा था, पूरे मुल्क में नौजवानों में बददीन नौजवानों की अक्सरियत हो गई थी, नौजवान बच्चे दीन से दूर हो गए थे। वो काम ये करते थे कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद अपने घर से अपने हाथ से कुछ मिठाई बनाकर हलवा बनाकर वो स्टेडियम चले जाते थे, खेल के मैदान में चले जाते थे, और वहाँ जो लड़के खेल रहे होते थे उनका खेल देखते रहते थे और दुआ करते रहते थे चुपके चुपके। और जब मैच ख़त्म होता था तो उन बच्चों को बुलाकर उनको सीने से लगाते थे, उनको प्यार करते थे और उनको मिठाई और हलवा खिलाते थे।
और उनसे कहते थे बच्चों तुम लोग तो कौम का मुस्तकबिल हो, मैं तो तुम्हारी तुमको देखकर आंखें ठंडी करने के लिए आता हूँ। उलमा गौर से सुने, कोई नसीहत नहीं करते थे। इस जुमले को मैं फिर दोहराऊं, नसीहत नहीं करते, कोई दीनी तकरीर नहीं करते थे, बस बच्चों को प्यार करते थे, बच्चों को मिठाई खिलाते थे और उसके बाद कह देते थे कि बच्चों मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फला मस्जिद में रहता हूँ, तुम लोगों को जब कभी फुर्सत हुआ करे तो आ जाया करो, मेरा भी कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो लड़के उनकी शफ़क़त प्यार मोहब्बत और अखलाक से इतने मुतासिर होते थे कि उनके पास आना शुरू हो गए। दो आए, चार आए, दस आए, बीस आए, पचास आए, दो सौ आए, पाँच सौ आए, लड़कों का हुजूम परवानों की तरह उनके ऊपर टूटने लगा। और वो भी जब वहाँ आते थे बच्चे तो बस उनको खिलाते पिलाते थे, प्यार करते थे, कहते थे बच्चों बस तुमको देखकर उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। हालांकि वो लड़के हाफ पैंट पहने हुए, नमाज भी नहीं पढ़ते, अब बज़ाहिर बड़े बेदीन, लेकिन वो कोई कुछ नहीं पूछते थे, नाम तुम्हारा क्या है, बताता था मेरा नाम खालिद है। अरे तुम तो खालिद इब्ने वलीद के खलीफा हो, तुम तो उनके जानशीन हो, तुम्हारा क्या नाम है उस्मान, तुम्हारा क्या नाम है सईद, तुम्हारा क्या नाम है बिलाल। बस लड़के रो पड़ते थे और लड़के खुद कहते थे शेख माफ कीजिए, हम बड़े बेदीन लोग हैं, आज आपसे वादा करते हैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अब मैं मुख्तसर करता हूं, धीरे 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 ये हाल हो गया। आज जो लोग गजा में महान संभाले हुए हैं ये वही नौजवान, काश कि हम मौलवियों ने अपने नौजवानों को मोहब्बत ज्यादा दी होती, नसीहतें कम की होती। मोहब्बत फातह आलम है, नसीहत फातह आलम नहीं है। नसीहत तो बाज़ वक्त अगर सही अंदाज से न दी जाए तो फासलों को बढ़ा देती है और मोहब्बत फासलों को कम कर देती है। उस माहौल को समझें हमारे उलमा, जिस मुसीबत में गिरफ्तार है हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां। हमने इस्लामी मिजाज के स्कूल नहीं खोले, हमने इस्लामी माहौल के कॉलेज, इस्लामी मिजाज की यूनिवर्सिटियां नहीं कायम की। कुछ हमारी कम हिम्मती और कुछ हमारी मजबूरियां। अब लड़के मजबूर हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो कॉलेज भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। और वहाँ के माहौल का उनके ऊपर असर पड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए नौजवानों को बस गले से लगाना है, हौसला अफजाई करना और उम्मीद वाली बातें इनसे करना। आप में वालिदैन भी बैठे हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद, आप साहिब औलाद हैं, आप बाप भी हैं और माएँ भी बैठी हैं। मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ और साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, बच्चों और बच्चियों की तरबियत में आज 99% वालिदैन कसूरवार और मुजरिम। वालिद पैसा कमाने में मसरूफ है, कभी रात में 12 बजे घर वापस आता है, कभी 1 बजे और कभी 10 बजे, और बेटे के पास बैठता ही नहीं। बाप और बेटे के दरमियान एक फासला है, एक गैप है। बाप घर में आता है तो बेटा सामने से निकहट जाता है, अपने बाप के पास नहीं बैठता, अपने दादा नाना के पास नहीं बैठता, अपनी दादी नानी के पास बच्चे आजकल के नहीं बैठते। यही हालत माओं की है, माएं अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटों को हफ्ते में 1 घंटा भी जिंदगी की सच्चाई समझाते नहीं। हमारा नौजवान जिंदगी की हकीकत को समझा हुआ नहीं है, हमारा नौजवान जिंदगी को एक तमाशा समझता है, एक तफरी समझता है, एक एंजॉयमेंट का मौका समझता है। ये जिंदगी तफरी गाह नहीं है,
ये जिंदगी आरामगाह भी नहीं है, ये जिंदगी चरागाह भी नहीं है सिर्फ खाने कमाने के लिए, ये जिंदगी इम्तिहान गाह है। लेकिन ये बात बाप समझाए बच्चे को, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े वैसे वैसे समझाने का अंदाज बेहतर हो। समझाए बेटा ये जिंदगी एक चैलेंज है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है, कैरेक्टर को बचा कर चलना, किरदार को पाकीजा बना कर रहना, अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, रोजाना कुरान की तिलावत करना, बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करना। मैं किस तरह अपने गम और तकलीफ का इजहार इस पर करूं कि 99% मुसलमान अल्लाह का कलाम नहीं समझते। आप बताइए क्या इसका कोई जवाब है? ये क्यों समझा हुआ है आपने कि कुरान का समझना सिर्फ उलमा का काम, आपका काम सिर्फ कुरान की तिलावत है, ये क्यों आपने समझा हुआ है? कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने वाली किताब है, कुरान गाइड बुक है। कुरान सिखाता है कि गुस्से को काबू में कैसे करो, कुरान सिखाता है कि निगाहों को काबू में कैसे रखो, कुरान सिखाता है जज्बात पाकीजा कैसे रखो, कुरान सिखाता है अपनी कमाई को पाकीजा कैसे रखो, हलाल कैसे रखो, कुरान सिखाता है कि सूदी लेन देन से हजारों मील दूर बचो। मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। आप में से अक्सर के मकानात बड़े आलीशान नजर आते हैं और बाद में तहकीक करने पे पता चलता है आपने सूदी लेन लिया हुआ है। आप बहुत सी चमचमाती हुई कारों में सवार होते हैं, बाहर से आने वाला खुश होता है कि हमारे कश्मीरी भाई माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं, और तहकीक करने पर मालूम होता है इनमें से 80% कारें बैंक से लोन लेकर ली हुई हैं। आप अल्लाह से जंग का ऐलान किए हुए हैं, फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जिना पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, शराब पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, झूठ पर ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूदी लेन देन के बारे में कहा है आ जाओ मेरे मुकाबले में, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह से लड़ने पर आमादा हैं आप, उसके बाद कहते हैं कश्मीर के सियासी हालात खराब हैं, उसके बाद कहते हैं कि हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं, अभी और जुल्म करेंगी अगर आपने सूद न छोड़ा, अभी खून की नदियां न जाने कितनी बहेंगी अगर आपने खुद सूदी लेन देन न छोड़ा। सूदी लेन देन आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि आप भूखे मर रहे थे उसके बगैर, आप इसलिए लेते हैं कि आलीशान मकान आप सूदी कर्जे के बगैर नहीं बना सकते, अपनी जायज आमदनी से आप छोटा मकान बना सकते हैं और आप छोटे मकान पर राजी नहीं है, आपका दिल चाहता है मेरा भी बड़ा मकान हो, बड़ा बड़े कुशादा मकान हो ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। चार दिन की जिंदगी है, जब मलकुल मौत आएगा तो आप चीख चीख कर कहेंगे कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दें, मैं नेकियां करके वापस आना चाहता हूँ, और जवाब में दिया जाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, जो वक्त तुमको दिया गया था वो पूरा हो गया, अब जहन्नम में जाओ, अब अजाब झेलो, अब देखो अल्लाह की मार। बहुत सूदी लेन देन तुमने किया था, जो कौम सूदी लेन देन ज्यादा करती है वो कौम पनपनी। यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं, आपको अगर अल्लाह ने बहुत अमीर नहीं बनाया तो आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं? आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए, छोटे से मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, लेकिन सूदी लेन देन मत कीजिए। अपने बच्चों को ये बताइए कि बेटा कभी सूदी लेन देन मत करना, कभी सूदी कर्जा मत लेना। बात जरा फैल जाएगी वरना मैं कुछ वाकई सुनाऊं। मैं अमेरिका में
अक्वाम मुत्तहिदा यूएनओ के बुलाए हुए के इजलास में गया। 1100 लोग बुलाए गए थे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा। पहला सेशन का मौजू था कि दुनिया से गुर्बत को कैसे दूर किया जाए। अल्लाह की तौफीक से जब मेरी बारी आई तो मैंने हर मुकर्रर को सिर्फ 11 मिनट दिए गए थे। और ये भी दिलचस्प बात है कि 11 मिनट में हम लोगों को दुनिया से गरीबी को मिटाना था। मैंने अपनी तकरीर 10.5 मिनट में मुकम्मल कर दी और सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की कि आज से 1400 साल पहले दुनिया में एक गरीब तरीन कौम की गरीबी को दूर करने का बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ था। और मैंने फिर ये समझाने की कोशिश की कि उस कौम से सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और ज़कात के निज़ाम को फैला दिया गया, तो 20-25 साल के अरसे में वो गरीब तरीन कौम पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल कौम बन गई। तो जब मैं अपनी तकरीर करके हटा वहाँ से, तो उस वक्त यूएनओ अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अनान जो इजलास की सदारत कर रहे थे वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि नोमानी साहब ने एक प्रैक्टिकल हल की तरफ इशारा किया है, अमली हल गरीबी को दूर करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग इजाज़त दें तो दोबारा नोमानी साहब को 11 मिनट के लिए मैं बुलाऊं और उनसे कहूं कि इसको खोलकर बयान कीजिए। सारे लोगों ने तालियां बजाकर इजाज़त दी और मैं आंसुओं के साथ दोबारा गया, क्योंकि ये कमाल मेरा नहीं था, ये कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का था, अल्लाह के कानून का था। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब मुझे बुलाया गया मैंने बहुत खोल कर बात की। पहली दफ़ा तो इशारों किनारे में ज़्यादा बात की थी, दूसरी बार बहुत खोल कर बात की। और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ इस वक्त आलमी इजलास में ऑन रिकॉर्ड ये चैलेंज करता हूँ कि जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा तब तक दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। इजलास ख़त्म हो गया, लोगों ने मुझे घेर लिया, वो एक अलग कहानी है। खाने का वक्त आया तो हम लोग खाने की मेज़ पर बैठे, खाना अभी शुरू होने वाला था कि मुझे बुलाया गया कि सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि आप मेरी मेज़ पर आ जाएं। तो मैं सबसे माजरत करके वहाँ चला गया। वहाँ तारुफ हुआ, जिन लोगों से तारुफ हुआ उनमें एक वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल, जहाँ से पूरी दुनिया में ये सूदी निज़ाम चलाया जाता है, वो भी बैठे हुए, ग्लेन टर्नर उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि आज आपने तो अजीब बातें कही, आपने तो कहा कि सूदी पूरे निज़ाम को इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को डिमोलिश किए बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती, तो कैसे मुमकिन है, फिर दुनिया चलेगी कैसे? आखिर दुनिया कर्जे लेगी तो फिर क्या होगा? अगर सूद के साथ वापस नहीं करेगी तो बैंकिंग का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। एक फैक्ट्री लगाने वाला एक शख्स 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा। अब उसको वापस जो करना है वो कम से कम 1 करोड़ 25-30 लाख करना है, 25-30 लाख बढ़ा कर करना है,
ये 25-30 लाख जो बढ़ाएगा या जो बढ़ाता है वो क्या अपनी जेब से बढ़ाता है? आप जरा जवाब दीजिए। वो हम खरीदारों को वो सौदा महंगी कीमत में बेचकर एक्स्ट्रा पैसे लेता है और वो एक्स्ट्रा पैसों से वो लोन का कर्जा जो है वो वापस लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई? या मैं इसलिए कि सारा निज़ाम सूदी कर्जे पर चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहने लगे उन्होंने उठते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपसे समझने को, आप मैं कोशिश करूँगा कि आपसे रबते में रहूँ, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसका मेरे पास जवाब कोई नहीं। लोगों, अल्लाह के बंदो, पूरे इस्लाम पर चलो और सूदी लेन देन को छोड़ दो। अगर आज आपने ये अहद कर लिया तब मैं समझूंगा कि इजलास 100% कामयाब। अपने बच्चों को वक्त दीजिए, माओ से कहता हूँ बेटियों को कुछ तरबियत दीजिए, कुछ समझाइए। शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमारे नौजवानों का तसव्वुर सिर्फ अफसानवी है। लड़का नहीं जानता कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। लड़की नहीं जानती कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। लड़का भी ये समझता है कि मेरी शादी होगी तो मैं शाहजहां बनूंगा और मेरी दुल्हन मुमताज बेगम होगी और हम दोनों मिलकर ताजमहल बनाएंगे। और माशाल्लाह 8-10-15 दिन के अंदर आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। जब लड़की को सास नामी मखलूक का साबका पड़ता है, अस्सासु मस्सास वमा अदराक मस्सास, आपने तरबियत ही नहीं दी, माँ ने समझा ही नहीं बेटी को कि ससुराल एक नई दुनिया है, नए रिश्तेदार हैं, कैसे उनका दिल जीतना है, कैसे उनकी खिदमत करनी है। न बाप ने बेटे को तरबियत दी। न बाप ने बेटे को जिंदगी की सच्चाइयों समझाई। बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। बेटा नहीं जानता कि कितनी मुश्किल से बाप कमा कर लाता है। इसलिए वालिदैन से कहता हूं अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको वक्त दीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार उनके साथ साथ बैठिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी की सच्चाइयां उनको समझाइए, करीब कीजिए। एक जमाना था कि बच्चे वालिद के पास सिमट कर बैठते थे, बच्चियां माँ से चिमट कर बैठती थी। माँ और बाप तो छोड़िए, दादा और दादी के पास, नाना और नानी के पास बच्चे शौक से आते थे कि दादी अम्मा कोई कहानी सुनाइए, दादा अब्बा कोई किस्सा सुनाइए। ये रिवाज था, अब बिल्कुल ये रिवाज खत्म हो चुका है। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ? नौजवान बच्चे अपने बाप के पास नहीं बैठते और बाप ने भी अपने को ऐसा जलाली बना रखा है कि बाप जब घर में आता है तो ये नहीं समझ में आता बच्चों के कि बाप आया है या थानेदार साहब आए, एसपी साहब आए। ऐसा माहौल घर का बनना चाहिए, ये इस्लाम सिखाता है। घर में मोहब्बतों का माहौल हो, खुशियों का माहौल हो, हंसी मजाक का माहौल हो, दूरियां न हो। यहाँ ताजिर हजरात भी बैठे हैं। ताजिर हजरात से मुझे ये कहना है कि आपकी तिजारत का मकसद क्या है? शानदार मकान बनाना, बेहतरीन कपड़े बनाना, बहुत अच्छा फर्नीचर आपके ड्राइंग रूम में और डाइनिंग हॉल में हो, अपनी बेटी की शादी पर करोड़ों रुपए लुटा देना, यह आपकी तिजारत का मकसद है? मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुसलमान ताजिर का ये मकसद नहीं हो सकता। आप ताजिर तो हैं लेकिन अभी मुसलमान बनने में कसर है। समझ रहे हैं ताजिर हजरात? ताजिर तो तिजारत करते थे
वो अय्याशियों के लिए नहीं करते थे, वो ताजिर करते थे इस्लाम की काम को तकवियत पहुंचाने के लिए, वो ताजिर तिजारत करते थे गरीबों की खिदमत के लिए। आपने वो वाकया सैकड़ों बार अपने बुजुर्ग उलमा से सुना होगा कि एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कुछ अपनी परेशानी का इजहार किया। हुजूर समझ गए, आपने फरमाया तुम ऐसा करो उस्मान के पास चले जाओ और बता देना कि मैंने भेजा है और अपनी परेशानी का इजहार उस्मान से कर देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो बेचारा आदमी बड़ी उम्मीद के साथ हजरत उस्मान के घर पहुंचा, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसको अंदर से कुछ आवाजें आईं। तो उसने इंतजार किया कि आवाजें खामोश हो जाएं तब मैं दरवाजे पे दस्तक दूं, लेकिन जो आवाजें सुनाई पड़ी उससे उसने ये समझा कि हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि तुमने चिराग को बुझा क्यों नहीं दिया, चिराग को इतनी देर से क्यों बुझाया, इसका तेल जो जलता रहा इसका कौन हिसाब देगा। तो वो उन्होंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी और वापस लौट आए रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा इसकी आवाज बढ़वा दी, बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। वो लौट आए अल्लाह के रसूल के पास और हुजूर से कहा कि आपने मुझे किसके पास भेज दिया, जो आदमी अपनी बीवी को डांट रहा है चिराग के तेल पर वो मेरी क्या मदद करेगा, वो तो बेचारा खुद गरीब है, तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा कि मैं उससे कुछ मांगू। हजरत उस्मान, अब हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम जाओ दोबारा बुलाओ दरवाजे पर, मेरा पैगाम पहुंचाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। इस बार वो गए और उन्होंने दस्तक दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बाहर निकले और बाहर निकल कर उनसे पूछा क्या आप, उन्होंने पूरी बात बताई। बहुत मोहब्बत से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, खिलाया पिलाया, इकराम किया और बहुत माल, खाने पीने का सामान, शहद, घी, गल्ला, अनाज, खुदा जाने क्या क्या, खजूरें वो बाकायदा ऊंट पर लाद कर उनके हवाले की, जाओ अल्लाह बरकत दे। तो वो सामान लेकर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने हजरत उस्मान ने कहा कि अब जाओ क्यों खड़े हो, उनका एक बात पूछने की इजाजत चाहता हूँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले भी आया था और उस वक्त आप अपनी बीवी को डांट रहे थे चिराग के तेल पर, तो मैं सोचने लगा कि जो आदमी चिराग के तेल पर बीवी को डांट रहा है वो मुझे क्या देगा, तो मैं चुपचाप वापस चला गया। लेकिन हुजूर ने दोबारा भेजा, तो एक बात बताइए, जब आपको अल्लाह ने इतना माल दिया है तो आप चिराग के तेल पर अपनी बीवी को क्यों डांट रहे थे। तब जवाब दिया हजरत उस्मान ने, ताजिरो सुनो, हजरत उस्मान ने कहा बेशक हम कारोबार करते हैं, बेशक हम माल कमाते हैं, लेकिन हम माल अपने ऐश और इशरत के लिए नहीं कमाते, मैं तुम जैसे भाइयों बहनों की खिदमत के लिए हम लोग कमाते हैं, अल्लाह के दीन का काम आए हमारा ये माल इसलिए कमाते हैं। मैं जब भी कश्मीर आता हूँ, और कश्मीर क्या अक्सर इलाके के मुसलमानों का यही हाल हो गया है, बड़ा दिल दुखता है, बहुत एहसास होता है कि ये बात पूरी तरह शायद सब लोगों की समझ में नहीं आई। आप जरा थोड़ा सा इस मामले में नज़रसानी कीजिए। मैं बड़ी मोहब्बत से ताजिर हजरात से कहता हूँ, एक तो गैर सूदी कारोबार कीजिए, कारोबार बिल्कुल सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, दूसरे जो कुछ कमाइए उसमें से अच्छा खासा इस्लाम के तकाज़ों पर लगाइए। इस्लाम के तकाज़े मदरसे भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी हैं और बहुत मैदान हैं। जब आप अपने बड़ों से पूछेंगे
या मैं अपना माल लगाना चाहता हूँ, तो लोग आपको बताएंगे फला फला जगह इस वक्त सबसे ज्यादा खर्च की जरूरत है। सच्ची बात यह है, मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च की तरतीब बेहतर हो जाए। काश इस जुमले को लोग, चंद लोग यहाँ समझने वाले मौजूद हों। मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च करने की तरतीब दुरुस्त हो। हमारे मुल्क की सियासत नज़रियात की बुनियाद पर बहुत कम और माल की बुनियाद पर ज़्यादा चल रही है। एक आदमी सुबह किसी सियासी पार्टी में होता है, शाम को पार्टी बदल लेता है। नज़रियात का मसला नहीं है, मफादात का मसला है। काश के ताजिर हजरात ज़रा तन्हाइयों में मिलें, उनको समझाया जाए कि भाई अपने हमारे मुल्क में, अपने रियासत में इतनी खूबसूरत रियासत, इतनी आला दर्जे की रूहानी सलाहियत वाली, काश कि आप अपनी रूहानी सलाहियत को पहचान लेते। अमीर कबीर की दुआओं से और या अल्लाह की तवज्जुहात से जो रूहानियत यहाँ के जर्रे जर्रे में है वो बाहर से आने वाला महसूस करता है, शायद ज़्यादा महसूस करता है। उस रूहानियत को फ़रोग देने और बचाए रखने के लिए अपने इदारों की ज़रूरत है, अपने अस्पतालों की ज़रूरत है, अपने स्कूलों कॉलेजों की ज़रूरत है, अपने यतीम खानों की ज़रूरत है, और वहाँ इन सब चीज़ों पर माल लगना चाहिए। और यहाँ के अलावा भी आपका माल बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। मैं ताजिर हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर हजरात भी होंगे यहाँ बैठे हुए, वकला भी होंगे। डॉक्टरी का पेशा मैंने कल भी कहा था श्रीनगर शहर में, जो मखसूस हजरात की एक छोटी सी मजलिस अचानक हो गई थी, कि मेडिकल पेशा ये अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाला, अल्लाह के बंदों की दुआएं लेने वाला, ये बहुत बड़ा पेशा था। अब इसी पेशे को खून चूसने वाला पेशा बना दिया गया। अक्सर डॉक्टर मरीजों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के गुलाम जो डॉक्टर बन रहे हैं, बन चुके हैं, बनेंगे, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने मरीजों के साथ बर्ताव करेंगे, गैर ज़रूरी जांचें नहीं लिखेंगे, सस्ती दवाएं लिखेंगे, और अपने पास से अगर ज़रूरत समझेंगे तो मदद करेंगे, और उस सबसे ज़्यादा मरीज के साथ मुस्कुराकर बोलना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, हमदर्दी के दो बोल बोलना, उसी से मरीज आधा अच्छा हो जाता है। ये बात डॉक्टर लोग हम जैसों से ज़्यादा जानते हैं। जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत करना ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मुसलमान सियासत में जाए तो अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए जाए। सरकारी पैसे को सही जगह पर लगवाने के लिए जाए, खुद फायदा उठाने की नियत से न जाए, तो ये सियासत में लगना भी इबादत शुमार होगा, दीन शुमार होगा। इसकी भी सख्त ज़रूरत है, सख्त तरीन ज़रूरत है। और जब आप अल्लाह वाले बड़े साहिब नज़र लोग, जिनकी नज़र मुल्की और आलमी हालात पर भी है, खतरात पर भी है और इम्कानात पर भी है, जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और समझेंगे, तो आपको ये बात मालूम होगी कि इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक दोराहे पर खड़े हैं। या वो जहन्नम बन सकते हैं अपने रहने वालों के लिए, और या वो हिदायत का मरकज बन सकते हैं। अजीब व गरीब बात है, अजीब बात है। मैंने जो बात 15 साल पहले कही थी, जिसको अभी याद दिलाया गया, आज 15 साल होते होते उस बात की सच्चाई इस कदर जाहिर हो रही है। इधर गजा में अल्लाह के बंदे और बंदियां शहीद हो रहे हैं, और उधर यूरोप और अमेरिका में अल्लाह के हजारों बंदे इस्लाम ला रहे हैं। यानी तादाद भी मिलती जुलती है।
40-45 हजार लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और 48 हजार लोग सरकारी इत्तला के मुताबिक यूरोप में इस्लाम ला चुके हैं। और क्यों इस्लाम ला रहे हैं, उन्हें कोई दावत नहीं दे रहा। एक मस्जिद में 80 औरतें एक साथ आईं, उस मस्जिद के इमाम से कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल करना चाहते इसलिए आए। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आप इतने बड़ी तादाद में, तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर फलस्तीन के हालात को और हम ये देख रहे हैं कि माँ अपने शहीद बेटे की परेशानी चूम रही है और कह रही है शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, मेरी दुआएं कबूल करवा दी तुमने। शौहर अपनी बीवी को रुख्सत कर रहा है, बीवी अपने शौहर को रुख्सत कर रही है, बहन अपने भाई को रुख्सत कर रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों को कब्र में उतार रहा है बाप। अभी परसों जो अल्लाह का बंदा शहीद हुआ, उस शहीद का जनाजा जब घर में लाया गया तो उस शहीद की बीवी ने उस शहीद की माँ से कहा, माँ मुबारक हो, आप दुआ करती थी कि आप शहीद की माँ बने, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। शहीद की बेवा बजाय रोने और चिल्लाने के वो अपनी सास को, अपने शौहर की माँ को मुबारकबाद दे रही है। मुझे बताइए वो मुसलमान है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए अपने ईमान को मुकम्मल करो, कमी है हमारे ईमान, क्यों भाई कमी है कि नहीं? आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। ये कमी कब दूर होगी, मरने के बाद या मरने से पहले? अच्छा पता है कि कब मरेंगे? क्यों देर करते हैं, क्यों अल्लाह वालों के पास भाग भाग कर नहीं जाते? जो सवालात आपके जहन में हैं उसके लिए इंतजार क्यों करते हैं कि कोई आए तो हम उससे सवाल करेंगे? खुदा के बंदो इसकी आदत डालो, ये साल में एक बार कोई सफर करें आप इल्म सीखने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद से बदलने के लिए, अपनी पसहिम्मती को बुलंद हौसलगी से बदलने के लिए, अपने खौफ को इत्मीनान से बदलने के लिए। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्वफु औलिया फला तखाफूहुम वखाफून। मौजूदा हालात की वजह से अजब खौफ तारी है लोगों पर, अजब खौफ तारी है। ये खौफ मुझे कहने की इजाज़त दे दीजिए, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ, आप में से किसी के बारे में कहने का मुझे हक नहीं। ये खौफ अल्लाह पर यकीन की कमी की वजह से, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। हम महसूस करते हैं कि बद्र वहद में तो अल्लाह की ताकत ज़्यादा थी, लेकिन आज की मौजूदा हुकूमत के बारे मुकाबले में अल्लाह की ताकत कमज़ोर है। अल्लाह मुझे नहीं बचा पाएगा, अल्लाह मेरी हिफाजत नहीं कर पाएगा। ये पुराने ज़माने की बात है कि अल्लाह खैरुन हाफिज़ा वहुवा अरहमुर राहिमीन। दोस्तों अल्लाह अपनी उसी ताकत के साथ आज मौजूद है, जिस अल्लाह ने फिरौन को समंदर में डुबोया था वो इस वक्त के फिरौनों को भी जिंदगी के समंदर में डुबोएगा। याद रखें, जब किसी हुक्मरान का गुरूर और तकब्बुर हद से आगे बढ़ जाता है, जुल्म और दहशतगर्दी और आतंकवाद हद से आगे बढ़ जाता है, वो कोई भी हुक्मरान हो, दुनिया के किसी मुल्क का हो, उसकी उसका खात्मा करीब होता है। वो हुक्मरान मक्के और मदीने का हो या वो हुक्मरान किसी मुल्क का हो, किसी शहर का हो, याद रखें गुरूर और तकब्बुर को और जुल्म की सजा इस दुनिया में मिलकर रहती है। कुफ्र की सजा इस दुनिया में मिले ये जरूरी नहीं है, कुफ्र की सजा आखिरत में मिलती है, लेकिन जुल्म की सजा इस दुनिया में मिलकर रहती है। शर्त यह है कि मजलूम जो हों वो मुत्तहिद हों, मजलूम डरे हुए ना हों, मजलूम घबराए हुए ना हों, मजलूम हक की गवाही दे रहे हों, मजलूम सच्ची बात कह रहे हों, मजलूमों का आलोक बढ़ रहा हो, दुआओं का अहतमाम बढ़ रहा हो, कुरान मजीद से मदद लेने का रिवाज बढ़ रहा हो, अल्लाह ताला से मदद मांगने का वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन ये मिजाज बन रहा हो,
तो फिर आप देखें फिर अल्लाह की मददें कैसे आती, क्या होता है। अल्लाह ताला शुरू में ढील देते हैं, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अलीम को जुल्म करने देते हैं, बहुत जल्दी मुदाखलत करने की अल्लाह की आदत नहीं है, अल्लाह जल्दी इंटरफियर नहीं करते, बहुत ढील देते हैं, बहुत मौका देते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जो अल्लाह ही के इल्म में है, वो वक्त कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि 2027 में क्या होगा और 2026 में क्या होगा। जो लोग सन की तायीन के साथ बताते हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो लोग सन की तायीन के बगैर पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि अला इन्ना रसूलल्लाहि करीब, वो बिल्कुल सच कहते हैं। पिछली कौमों पर इतनी तकलीफें आई थी ईमान वालों पर, सिर्फ ईमान की वजह से, सिर्फ अमल सालेह की वजह से, अपने नबी के इत्तिबा की वजह से उन पर इस कदर सख्तियाँ हुई थी कि अल्लाह की पनाह के वक्त के नबी भी पुकार उठे थे कि मता नसरुल्लाह। आप सोचें वक्त का नबी चीख उठे, वक्त का नबी सवाल करने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप सोचें वो मुसीबत कितनी बड़ी होगी। जब नबी की जबान से ये जुमला निकला कि मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। अब सुन लो कान खोलकर, अल्लाह की मदद करीब है। मैं अपने छोटे से इल्म और बहुत कमजोर ईमान के हवाले से इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कश्मीर की इस तारीखी सरजमीन पर यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि तारीख अपना वरक पलटने वाली है और इस्लाम का चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का, इस्लाम का मरकज बनेगा। जर्रे जर्रे से कलमे की आवाज आएगी, जर्रे जर्रे से कलमे की आवाज आएगी। देर हमारी तुम्हारी वजह से लग रही है, हमारी कंजूसी की वजह से लग रही है, हमारी फासिकाना कैरेक्टर की वजह से लग रही है, हमारी बदनजरियों की वजह से लग रही है, हमारी जिना की वजह से लग रही है, हमारी बेपर्दगी की वजह से लग रही है। एक कौम की बेटियों जो यहाँ मौजूद हो, तुम मेरी जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नाम तुम्हारा खदीजा और किरदार नाचने गाने वालियों का, नाम तुम्हारा आयशा और किरदार गंदी औरतों का, आज मेरी बच्चे तौबा करो, आज मेरी बच्चे तौबा करो। अब कभी भी किसी नामहरम को फोन भी नहीं करेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर चैटिंग नहीं करेंगे। तुम कौन हो? तुम औलिया-उल्लाह की नस्ल से हो। और कश्मीर के मुसलमानों, तुम्हें पता है तुम्हारी रगों में औलिया-उल्लाह का खून दौड़ रहा है। कल को तुम अपने आबाव अजदाद को क्या जवाब दोगे? खड़े होंगे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और पेश करेंगे तुमको अल्लाह के सामने, इन्होंने देखिए मेरे आने के बाद इन्होंने हुसैन और हसन और हुसैन की तहजीब की धज्जियां उड़ाई। देखिए इनका नाम फातिमा था इस बच्ची का, लेकिन ये नंगी फिरा करती थी, अपने हुस्न की नुमाइश करती थी। लड़के इसके बॉयफ्रेंड थे। मैं ये गुमान नहीं करना चाहता, मुझे कश्मीर से मोहब्बत नहीं है, अकीदत है अकीदत। मैं यहाँ की रूहानी फिजा से अपनी रूह को तकवीत पहुँचाने की नीयत से आता हूँ। मैं आपको फायदा पहुँचाने की नीयत से बाद में खुद अपने अंदर ईमानी ताजगी महसूस करता हूँ। जब मैं कब्रिस्तान शहादा के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ की रूहानी रूहें तड़पती हुई मिलती हैं। लगते हैं जैसे वो कह रही हैं, जाइए समझाइए इन लोगों को, हम इनके लिए मरे हैं, हमने इनके लिए जान दी है, हमने इनके लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा किया है, और ये क्या कर रहे हैं? ये सूदी लेन देन कर रहे हैं, ये नाच गाने में लगे हैं, ये मोबाइल पर गलत तस्वीरें देख रहे हैं। ए अल्लाह के बंदो, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुम औलिया-उल्लाह की नस्ल से हो। बिला वजह किसी ने नहीं कहा था कि अगर फिरदौस बरूए जमीन हमी अस्तो। लेकिन तुम उस जन्नत को जहन्नम बना देने पर तुले हुए हो। आज अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए, ऐसी तौबा कि उठने से पहले अल्लाह फरिश्ते भेज दे और कह दे कि फरिश्तों जाओ,
जाओ रियाज-ए-सालहीन के जलसे में जाकर ऐलान करो, जाओ कह दो मेरी तरफ से अल्लाह की तरफ से कि जाओ قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات, तुम सबको मैंने माफ कर दिया और तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल गए, मर्दों के भी औरतों के भी, जवानों के भी बूढ़ों के भी, ताजिरों के भी, डॉक्टरों के भी, वकीलों के भी, उलमा के भी, माँ बाप के भी, भाई बहनों के भी, नए शादी शुदा जोड़ों के भी और जिनकी शादी अभी नहीं हुई मेरे अजीज उन नौजवानों के भी। मेरा ख्याल है अब हम लोग हाथ उठाएं दुआ के लिए।